अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद नासिर जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द एम्स कराची। आज हम जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंटरेस्टिंग के साथ साथ इस टॉपिक ने पूरी दुनिया को बेहद परेशान कर रखा है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फैटी लिवर। फैटी लिवर डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जिगर पर एबनॉर्मल फैट्स आ जाती हैं या जिगर के ऊपर आम जुबान में जिसे कह लें कि चर्बी चढ़ जाती है। तो फैटी लिवर के पेशेंट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो इसके अमूमन साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो बहुत कम आते हैं पेशेंट्स पे, लेकिन ये स्लोली स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लिवर को डैमेज की तरफ ले जाती है। बहुत तशवीशनाक बीमारी है और इसे खामोश कातिल भी कहा जाता है। चूँकि हमारा लिवर जो है ये कोलेस्ट्रॉल बनाता भी है और उसको फिर मैनेज भी करता है, स्टोर करता है, लिहाजा कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के हवाले से हमारे लिवर में अगर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल या एक्स्ट्रा जो है वो फैट्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाएँ, ख़ास तौर पर लो डेंसिटी लिपिड्स, जो लो डेंसिटी लिपिड्स हैं ये नुकसानदेह फैट्स या बैड फैट्स कहलाते हैं या बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाते हैं, अगर हमारे लिवर में ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाए तो ऐसी सूरत में लिवर जो है वो फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाता है। फैटी लिवर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आम तौर पर हमारे पेशेंट्स जो हैं वो खाने पीने में बेएहतियाती कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा ऑयली कंटेंट ले रहे होते हैं या ऑयली डाइट होती है। इसके अलावा इसके और दीगर भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं, लेकिन इससे पहले मैं अपने फैटी लिवर की मज़ीद डिटेल की तरफ जाने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको ज़रा लिवर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ। लिवर हमारी बॉडी में एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है और हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के साथ साथ ये हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बड़ा पार्ट है। मतलब जितनी भी डाइट हम मुंह के ज़रिए इंटर कर रहे होते हैं, हम खा रहे होते हैं, तो वो हमारे स्टमक में जाती है। स्टमक में कुछ अरसा या कुछ टाइम, एक से डेढ़ घंटा स्टे करने के बाद वो हमारी इंटेस्टीन में आ जाती है और उसके बाद फिर ये पोर्टल वेन के थ्रू, मतलब कि तमाम आंतों से हमारी जो डाइट है वो कलेक्ट करती है पोर्टल वेन और वो लेके जाती है लिवर में और लिवर फिर इसको फर्दर प्रोसेस करता है और इसको डिटॉक्सिफाई भी करता है और इसमें जितने भी कंटेंट्स हैं ख़ास तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इन तमाम कंटेंट को ये प्रोसेस करके फिर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो भी दिन भर के काम हैं, बोलना, चलना, फिरना, सोचना, मुख्तलिफ डिसीजंस और जो भी हम अपनी ज़िंदगी में कर रहे होते हैं रोज़मर्रा, वो इसी एनर्जी से हम ले रहे होते हैं। तो लिवर का बेहद रोल है क्योंकि ये एक समझ लें पावर हाउस का काम कर रहा होता है हमारी बॉडी में। अभी हम डिस्कस करेंगे कि फैटी लिवर किन किन वजूहात की बिना पर हो सकता है। फैटी लिवर की दो टाइप्स हैं, एक अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ और एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ अपने नाम से जाहिर है कि वो लोग जो ज़्यादा शराब नोशी करते हैं या अल्कोहल इनटेक करते हैं, ऐसे लोगों को अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ स्टार्ट हो जाती है और शराब पीने से या एक्स्ट्रा अल्कोहल लेने से या अल्कोहल के बार बार इस्तेमाल से वो लोग फैटी लिवर की तरफ चले जाते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जो है वो आम तौर पर ऐसे लोगों को होती है जो शराब नोशी तो नहीं करते लेकिन अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल नहीं रखते। और अगर हम बात करें वो लोग जो अपनी रोज़मर्रा लाइफ में ज़्यादा फैट कंटेंट ले रहे होते हैं, इम्प्रॉपर डाइट ले रहे होते हैं, ख़ास तौर पर फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऐसे लोग फैटी लिवर डिजीज़ की तरफ तेज़ी से जा रहे हैं। याद रखिएगा कि हमारी बॉडी 18 साल तक जो एनिमल फैट है उससे ग्रो करती है, वो हमारी बॉडी के लिए बेस्ट है, लेकिन 18 साल की उम्र के बाद हमें एनिमल फैट बंद कर देना चाहिए। वेजिटेबल फैट ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, जैसे कि सूरजमुखी का तेल है, जैसे कि सरसों का तेल है, जैसे बनोला ऑयल है और दीगर मुख्तलिफ ख़ास तौर पे ऑलिव ऑयल। हमें वो तमाम सोर्सेज जो कि पौधों से हासिल होते हैं उन ऑयल कंटेंट्स को लेना चाहिए। सेकंड, वो लोग जो कि डायबिटीज़ के साथ सफ़र कर रहे हैं और जिन लोगों को शुगर की बीमारी लाहक हो चुकी है, ऐसे लोग भी फैटी लिवर की तरफ जो है वो तेज़ी से रागब होते हैं। याद रखिएगा कि आज से अगर हम 20-25 साल पीछे चले जाएं तो हम वाइट शुगर का इस्तेमाल कम करते थे, चीनी कम इस्तेमाल करते थे,
उसकी जगह हम गुड़ और शक्कर या ब्राउन शुगर ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, इस वजह से चूँकि वो नेचुरल सोर्सेज से हासिल होती थी, उसमें केमिकल्स ज़्यादा शामिल नहीं होते थे। हमारे जो किसान भाई हैं या जो हमारे फार्मर्स हैं वो उसको नॉर्मल तरीके से प्रोसेस करके अपने जो खेत हैं या जो अपने उनके जो फील्ड है उसके अंदर जो है वो तैयार करते थे, लिहाजा वो हमारी बॉडी प्रॉपर डाइजेस्ट करती थी और हमारी बॉडी में जो पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है उसको आसानी से जो है वो सेल्स तक पहुंचा देती थी। लेकिन जैसे जैसे अब ये शुगर, वाइट शुगर ख़ास तौर पे शुगर मिलने लग गई हैं, तो हमारे घरों में भी शुगर के पेशेंट्स तैयार होना शुरू हो गए हैं। तो इस हवाले से हम ये मेडिकल फील्ड में रह के ये देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जिन लोगों को शुगर हो गई है या जो शुगर के पेशेंट हैं उन लोगों को फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि शुगर का लेवल जैसे ही हाई होता है उसके साथ साथ पैरेलल कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई हो रहा होता है, तो ऐसे पेशेंट्स जो कि डायबिटीज़ के साथ सफ़र करते हैं उनको भी फैटी लिवर होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा ओल्ड एज पेशेंट्स, वो लोग जो कि ओल्ड एज हैं, जो कि 50, 60 साल या 70 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग हैं, ऐसे लोग भी फैटी लिवर में आसानी से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी आज के दौर में एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं वो तेज़ी से फैटी लिवर की तरफ जा रहे हैं। जो लोग मुशक्क़त के साथ काम नहीं करते और जो लोग प्रॉपर अपनी रोज़मर्रा रूटीन में लग्जरी लाइफ स्टाइल को जो है इंजॉय करते हैं, ऐसे लोग भी तेज़ी से फैटी लिवर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि फैट्स हमारी बॉडी में जाके एनर्जी की सूरत में कन्वर्ट नहीं होती और हमारी बॉडी उनको यूटिलाइज नहीं करती, तो वो सारी की सारी जो हैं या तो हमारे पेट पर या फिर जो है वो हमारे लिवर पे स्टोर होती हैं। तो ऐसी सूरत में भी लोग फैटी लिवर की तरफ सफ़र कर रहे हैं। तो इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री में भी फैटी लिवर देखा गया है कि जैसे लोग फैमिली में तमाम लोग, उनमें से मैक्सिमम लोग जो कि एक ही डाइनिंग टेबल पर बैठ के एक ही किस्म का खाना खाते हैं, तो उनकी फैमिली में भी ये देखा गया है कि पूरी फैमिली के लोग या उनमें से मैक्सिमम लोग जो हैं वो फैटी लिवर का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनका खाना एक जगह पकता है और एक ही डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रहे होते हैं, तो इसलिए अगर उस खाने में ऑयल कॉन्टेंट ज़्यादा हो तो ऐसे लोग फैटी लिवर में तेज़ी से जा रहे होते हैं। ये तो थी फैटी लिवर डिज़ीज़ की कॉजेज, वो वजूहात जिनकी बिना पर लिवर जो है वो नॉर्मल से फैटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर किसी को फैटी लिवर डिजीज़ हो गई है या फैटी लिवर हो गया है तो उस मरीज़ की अलामत क्या होंगी, उस मरीज़ पर क्या साइन एंड सिम्टम्स जाहिर होंगे जिससे वो अंदाज़ा लगा सकता है कि मेरा लिवर फैटी में कन्वर्ट हो गया है। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल द एम्स कराची लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रा सा पुश कर दें, ताकि इस तरह की मेडिकल और दीगर मुख्तलिफ टॉपिक्स पर हमारी मुख्तलिफ वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आप इनसे फ़ायदा उठाते रहें। तो बात करते हैं साइलेंट सिम्टम्स ऑफ फैटी लिवर। फैटी लिवर की अलामत की अगर बात की जाए तो फैटी लिवर एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जिसकी अलामत अमूमी तौर पर मरीज़ पर ज़ाहिर नहीं हो रही होती। मरीज़ गो के फैटी लिवर से या लिवर पे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन या फैट डिपोजिशन से सफ़र कर रहा होता है, फैटी लिवर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उस पे इसकी अलामत सामने नहीं आती जब तक कि लिवर किसी हद तक डैमेज ना हो जाए। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि मरीज़ को पता ही नहीं चलता और वो स्लोली लिवर डैमेज की तरफ जा रहा होता है। तो इसलिए इस बीमारी को ख़तरनाक बीमारियों की लिस्ट में शामिल किया जाता है, बिकॉज दिस इज़ अ स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज़, जिसकी वजह से आम तौर पर मरीज़ जो हैं वो रिलैक्स रहते हैं और सदेबाब की तरफ नहीं जाते। अगर कुछ अलामात जो कि मरीज़ पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं तो बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। उनमें से ख़ास तौर पे पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और एपिगैस्ट्रिक रीजन, अगर किसी को एब्डोमिन या पेट के ऊपरी हिस्से पे या पसलियों के नीचे वाले हिस्से में दर्द शुरू हो जाए और साथ साथ उसके एपिगैस्ट्रिक रीजन या दरमियानी पेट के हिस्से में अगर दर्द हो तो ऐसे मरीज़ को बिल्कुल रिलैक्स नहीं रहना चाहिए। और इसका पेन अमूमन जो है वो बैक साइड पे और राइट शोल्डर पे रेडिएट करता है, और उसके साथ साथ अगर एक पेशेंट
8 घंटे मुसलसल काम करने के बावजूद भी फ्रेश रहता था, लेकिन अभी वो कुछ घंटे या कुछ टाइम अगर वो काम करे और वो उसमें थकावट फील करना शुरू कर दे, लिथार्जिक फील करना शुरू कर दे, तो उसको अपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए। वो मरीज़ जो कि शुगर के साथ सफ़र करते हैं या जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको अपना प्रॉपर लिवर का भी चेकअप साथ साथ करवाना चाहिए। और अगर फैटी लिवर काफ़ी हद तक बढ़ जाए तो ऐसे मरीज़ को उल्टियां भी हो सकती हैं, मतलाहट भी फील होती है, और उसके साथ साथ अगर फैटी लिवर की वजह से लिवर डैमेज की हद तक चला जाए तो ऐसे मरीज़ के पेट में पानी भी भरना शुरू हो सकता है, जो कि बहुत लेट स्टेज कहलाती है, जिसमें लिवर सिरोसिस की तरफ जा रहा होता है। एक बात याद रखें कि नॉर्मल लिवर जो है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अकॉर्डिंग टू साइंस, अगर लिवर की बात की जाए, नॉर्मल लिवर फैटी में कन्वर्ट हो जाता है और हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। ये तो थी मोटी मोटी अलामात जो कि फैटी लिवर के पेशेंट्स में ज़ाहिर होती हैं। लेकिन अब आते हैं हम असल बात की तरफ कि अगर किसी को फैटी लिवर हो गया है तो उसको ओवरकम कैसे किया जाता है या इसका इलाज क्या है। फैटी लिवर की जहाँ तक बात है तो फैटी लिवर डिज़ीज़ एक ऐसी डिज़ीज़ है, बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल, मैं और मेडिकल फील्ड के दीगर लोग, अगर आपका किसी के साथ वास्ता है तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि फैटी लिवर डिज़ीज़ का मेडिसन में अभी तक कोई इलाज नहीं है, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है या कोई ऐसी मेडिसन नहीं है जो कि फैटी लिवर को प्रॉपर रिवर्स कर सके। फैटी लिवर डिज़ीज़ का ताल्लुक जो है हमारी लाइफस्टाइल से है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को, अपने तौर तरीकों को ठीक कर लें तो हम फैटी लिवर डिज़ीज़ को ठीक कर सकते हैं या इसको ओवरकम कर सकते हैं। फैटी लिवर डिज़ीज़ कैन बी रिवर्स थ्रू सिंपल लाइफस्टाइल चेंज। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लेंगे तो इंशाल्लाह मैक्सिमम मरीज़ फैटी लिवर के रिवर्स हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक चार्ट के ज़रिए समझाता हूँ। मेरे बैक पर आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी कि नॉर्मल लिवर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है फैटी लिवर में, और उसके नीचे आपको ग्रीन लाइन नज़र आ रही है कि फैटी लिवर में अगर नॉर्मल लिवर कन्वर्ट हो गया है तो हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके इसको रिवर्स कर सकते हैं। और अगर हमने अपने लाइफस्टाइल को चेंज ना किया, और जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिन वजूहात की बिना पर फैटी लिवर होता है, तो ये हम उस पर ऐसे ही परसिस्ट रहे, हमने उनको रिवर्स ना किया या उनको ओवरकम ना किया, तो फिर फैटी लिवर कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रोसिस में। फाइब्रोसिस मतलब कि लिवर के सेल्स की जो नेचर है वो चेंज होना शुरू हो जाती है, लिवर के सेल्स हार्ड होना शुरू हो जाते हैं, और ये भी रिवर्सेबल है। ये कैसे रिवर्स होगा कि हम अपने लाइफस्टाइल को प्योरली चेंज करेंगे, बिल्कुल एहतियात करेंगे, और वो एहतियाती तदाबीर क्या हैं वो इंशाल्लाह अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और एहतियाती तदाबीर के साथ साथ, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के साथ साथ, हमें मेडिसन्स जो कि हेपेटोसेलुलर रीजनरेटिव मेडिसन्स हैं उनका भी इस्तेमाल करना होगा। तो ये दोबारा वापस बैक स्टेज पे चला जाएगा, और फिर मजीद अगर हम इस पे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे तो ये नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एक बात याद रखें, अगर हम फाइब्रोटिक स्टेज पर भी लिवर का ख्याल नहीं करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू लिवर सिरोसिस, विच इज़ इरिवर्सिबल। अगर लिवर सिरोसिस की तरफ जा रहा है या लिवर सिरोसिस में चला गया तो ये इरिवर्सिबल है। तो अब हम आते हैं कि हम इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं। तो रिवर्स करने के लिए एक बात याद रखें कि अगर फैटी लिवर किसी पेशेंट के साथ है तो वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करे। मींस के अगर ओबेसिटी है तो वो एक्सरसाइज करे, प्रॉपर मुशक्कत के साथ काम करे। और हमारी माएँ बहनें, बेटियां अगर घरों में फैटी लिवर के साथ सफ़र कर रही हैं तो खुदारा वो अपने काम को जो है, जो उन्होंने मुख्तलिफ आया या जो घर की मासियां हैं उन पे डिवाइड किया हुआ है, उनकी छुट्टी करवाएं और वो घर के काम खुद देखें। और जो हमारे मर्द हजरात हैं वो प्रॉपर फील्ड में मुशक्कत के साथ खुद काम करें, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज को प्रॉपर करें। इंशाल्लाह फैटी लिवर डिज़ीज़ आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स हो जाएगी। और वो लोग जो डायबिटीज़ के साथ सफ़र कर रहे हैं, जो शुगर के साथ सफ़र कर रहे हैं,
वो मीठी चीज़ों से परहेज़ करें, ख़ास तौर पर वो मीठी चीज़ें जो वाइट शुगर या चीनी से बनी हुई हैं। अगर वो इन चीज़ों का इस्तेमाल कम कर देंगे और अपनी शुगर को कंट्रोल रखेंगे, अगर वो इंसुलिन लेते हैं तो प्रॉपर उसका इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह वो लोग फैटी लिवर से रिवर्स हो जाएंगे, वो फैटी लिवर से बच सकते हैं। और इसके अलावा वो लोग जो वाइट शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं और डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो मज़ीद डायबिटीज़ की तरफ या फैटी लिवर की तरफ जाने से पहले वो अपनी वाइट शुगर बंद करके अभी से जो हमारे पुराने देसी रवायती जो शुगर्स थी, जैसे कि गुड़, शक्कर या इससे रेलेवेंट नेचुरल चीज़ें, उन पर आ जाएं, ताकि वो लोग आगे जाके शुगर या उसके साथ साथ जो दीगर और कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल और उसके साथ साथ फैटी लिवर की तरफ जा रहे होते हैं, तो उनसे बच सकें। और अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ की अगर बात की जाए, तो बीइंग अ मुस्लिम हमें तो वैसे ही शराब जो है हमारे लिए हराम है, तो अल्कोहल का इस्तेमाल जो लोग करते हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं या मुसलमान भी अगर खुदा ना खास्ता इस बीमारी में मुब्तला हैं, तो वो शराब नोशी बंद कर दें, अल्कोहल कंजप्शन ख़त्म कर दें, तो उसके साथ साथ इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिवर्स कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में मैं अपने तमाम देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खाने पीने में भरपूर एहतियात कीजिए, प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, और अगर अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह फैटी लिवर से ज़िंदगी भर आपका छुटकारा हो जाएगा। अगर फैटी लिवर के हवाले से या इस तरह के डिसऑर्डर्स के हवाले से अगर किसी का कोई सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में आके हमारे साथ राबता कर सकता है, नंबर्स अवेलेबल हैं, और उसके साथ साथ इंशाल्लाह हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी देंगे। और अगर किसी ने हमारा चैनल अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली वो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो उन तक प्रॉपर पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।